अंकित गुप्ता की टीम इस वक्त भड़क गई है, और सिर्फ अंकित की टीम नहीं भड़की है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि अगर एमसी स्टैन की भाषा में बोलूं तो बाहर जो है वो राड़े डल गए हैं, राड़े। जी हाँ, वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि बाहर जो है वो राड़े हो गए हैं, और ये राड़े हुए हैं अंकित गुप्ता के लिए। क्यों हुए हैं? सबसे पहले तो एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये कुछ लिखा हुआ जो है, ये क्या है? अंकित गुप्ता की ऑफिशियल टीम ने, क्योंकि इस वक्त अंकित का इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो उन्हीं की टीम कर रही है यूज, और आपको मैं दिखा दूं, ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ना पूरा, ये अंकित की टीम ने पोस्ट किया है, और इसमें क्या लिखा है मैं एक एक वर्ड आपको पढ़कर सुनाऊंगी। सबसे पहले तो वो लिखते हैं, आफ्टर अ फ्यू वर्ड्स पेंड डाउन फॉर अंकित गुप्ता, humiliation is not okay, even in the name of entertainment. To whom it may concern, we hope you are all well. We were having fathomable thought, and we considered it wise to write a few words and clear our conscience. It is obvious that the humiliating behavior of the show and its housemates directly hits the self-respect and affects directly the self-esteem of Ankit Gupta and his fans also. It also diminishes the positive attitude towards the show and keeps the audience mentally disturbed. Despite all, Ankit Gupta have never crossed the line with Big Boss or the housemates. Ankit Gupta fans, sincerely, we as an audience can clearly see a gentleman that you are. It's good that you never let those mean things break you or fade away your smile. Big Boss 16 is trying to portray you as a person that you are not. They are mistaking your kindness with your weakness. Audience loves you, Ankit, and is standing by you all the time. You and Priyanka are trending every day in one hashtag or another. You are priceless and we will support you no matter what. Stop harassing Ankit. मैंने आपको दो दिन पहले बताया था, दो दिन पहले से वैसे ये चल रहा है, Stop harassing Ankit. ये जो ट्वीट है ये ट्रेंड पे ट्रेंड करता चला जा रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अंकित को उतना हरास घर में किया जा रहा है, सीधे मुंह आप बात ही नहीं कर रहे अंकित से। जब अंकित का जिक्र है या अंकित के बारे में कोई बात है तब आप हमेशा टेढ़े मुंह बात करते हो। आपको नींद तो नहीं आ रही अंकित? आप हमारी बात सुन लेंगे ना? आप यहाँ से वहां तक चल के आ जाएंगे ना? अगर सेम ऐसी बिग बॉस से बात करने लग जाओ, बिग बॉस आपको पार्शियलिटी करने में थकान तो नहीं हो रही? आप पार्शियलिटी फिर से कर पाएंगे ना? तब उनको पता चलेगा कि कैसा लगता है। बट ठीक है, चलो छोड़ो, क्या ही हो जाएगा बोल के, कौन सा बिग बॉस घर के अंदर ये वीडियो दिखाने वाले हैं। बट मैं आपको बता दूं कि बवाल जो है वो बाहर मच रहा है। अंकित की टीम ने ये ओपन लेटर, अंकित के फैंस ने ये ओपन लेटर कलर्स को सुना दिया है और पढ़ा दिया है। अब उन पर ये डिपेंड करता है कि वो ये बदतमीजी बरकरार रखेंगे या नहीं। आपको इस पर क्या है कहना, बताइएगा।